सूबे की सरकार बाल मजदूरी को रोकने के लिए लाखों दावे करती हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में बाल मजदूरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला फर्रुखाबाद के कुआरापुर में बने प्राथमिक विद्यालय का है, जहां शिक्षक छात्रों से श्रमदान के नाम पर मजदूरी करा रहे हैं और उनसे शौचालय के लिए गड्ढे खुदवा रहे हैं। आप खुद इन तस्वीरों में देखिए कि कैसे बच्चों से काम कराया जा रहा है और शिक्षक आराम से पैर पसारे बैठे हैं। वहीं इस बाबत जब छात्रों से पूछा गया तो सुनिए क्या कहना है छात्रों का। तुम्हारा किसने कहा मिट्टी डालने के लिए? सरजी। क्या नाम है सरजी का? क्या कहा उन्होंने? वहीं स्कूल के रसोईया की माने तो बच्चों को लालच देकर शिक्षक उनसे मजदूरी कराते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम धनदेवी। आपके बच्चे पढ़ते हैं? मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, मेरे देवर के लड़का पढ़ रहे हैं। आप उस स्कूल नाती में नता मेरे जिठौती के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप उस स्कूल में पहले रसोईया थी? हाँ, अब भी रसोईया है। तो क्या जानकारी है आपको स्कूल के बारे में? स्कूल के है कि मास्टर लोग बच्चन से काम कराते हैं, लेबरी उन्हें 10-20 रुपया दे देता है, लोभ देता है उन्हें। क्या क्या करवाते हैं? मिट्टी डरवाते हैं, ईंटे करवाते हैं, लेटरिन में पानी डरवाते हैं, जो मकान बनी है उसमें तराई करवाते हैं। शिक्षक छात्रों से श्रमदान के नाम पर मिट्टी खुदवाने से लेकर पावड़ा चलवाने तक के काम करवा रहे हैं, लेकिन प्रशासन इससे बेखबर कानों में तेल डाले बैठा हुआ है। जब BSA से इस बारे में पूछा गया तो BSA ने बेशर्मी से कहा कि PM और CM झाड़ू लगा रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं? नहीं, आप अपने हिसाब से पूरा स्कूल साफ सफाई करवाइए, बच्चों को ना पढ़वाएं, इसकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप उसको बच्चे नहीं, आप बच्चों को खूब श्रम करवाइए। आप जो हमें दिखाना चाह रहे वो हम समझ गए ना, आपने वो तो चीज पकड़ ली, ये नहीं पकड़ा कि पूरा हमारा देश के प्रधानमंत्री जल रहा है झाड़ू, आपको नहीं विचार गया होगा। अब आप समझिए कि बच्चों से पहले श्रमदान के नाम पर गड्ढे खुदवाए जाते हैं और अधिकारी कहते हैं कि PM और CM झाड़ू लगाते हैं तो बच्चे क्यों नहीं? अरे BSA साहब, बच्चे स्कूलों में पढ़ने आते हैं, काम करने नहीं, लेकिन सरकारी स्कूलों को ऐसे ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है और हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए फर्रुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।